ठियोग विधानसभा की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ पीडब्ल्यूडी ईएनसी कार्यालय पहुंचे विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर सर्विलियंस करने के आरोप लगाए और विधानसभा सचिव से भी पूछा है कि क्या उनको सर्विलियंस पर रखा गया है। विधायक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है और विधायक के लोकतांत्रिक अधिकार हनन करार दिया है। कोई भी कार्य बगैर कानून के नहीं होगा, औपचारिकताएं हैं। हमारे यहाँ पर हम बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हमारे पास हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, FRA के प्रश्न को लेकर, FCA के प्रश्न को लेकर। लेकिन और उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा लिया है whether the FRA will remain in हिमाचल प्रदेश or not। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ। मैं विनती हिमाचल प्रदेश की सरकार से करना चाहता हूँ, मेहरबानी कर ऐसे कार्य मत करो जो हिमाचल प्रदेश के FRA को ही आप सुप्रीम कोर्ट से समाप्त कर देंगे। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली हैं, राजनीति जो वो सरकार के नजदीक के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो DCP से अलग अलग जगहों से वो सैंक्शन लेते हैं। और एक ऐसी सैंक्शन PWD की ली गई है ठियोग के अंदर, और अभी वो PWD ने औपचारिकता की नहीं, सड़क बन गई और फिर कहा कि इसको पास करो, बिल क्या कहते तैयार करो। मुझे बताओ कौन बिल तैयार करेगा? इवन इफ दी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फॉरगेट दी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर राष्ट्रपति भी ऑर्डर करेगा किसी को, वो अधिकारी नहीं करने वाला है, उसकी नौकरी का प्रश्न है। मेरे एक एक CM को उस बात के लिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट से उन्होंने वो स्टे लाया। अब नेक्स्ट विक्टिम बन गया एक निचले स्तर का, क्या कहते हैं, जो ऑफिसर होता है वो उसका विक्टिम बन गया है। उस बात को यहां पर साझा करने में आया कि मेहरबानी कर मैं हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। जो इस तरीके के तौर तरीके आप इख्तियार करते हैं, ये बाधा बनेगी। हम 3 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट से FRA FCA के केस पर जो ग्रहण लगाए, हम उसको क्लियर नहीं कर सके। आज भी एक एक केस सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है और ऊपर से हम दबाव इस तरीके के डालेंगे निम्न किस्म के अफसरों पर और उनको उनके तबादले कर देंगे। दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल बी अंडर दी स्कैनर। अगर ये सार्वजनिक हो जाए बातें तो ये बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहने आया था मैं और एक हल निकालने की कोशिश के लिए आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।